नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत और विश्व में नदी के किनारे बसे शहरों से संबंधित टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हूँ, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कि वियना किस नदी के किनारे पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेन्यूब। बात करें डेन्यूब तो यह किनारे स्थित वियना इंटरनेशनल सेंटर विश्व की बहुत से प्रमुख संस्थाओं के दफ्तरों का एकीकृत स्थान है और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी एवं उनके 9 प्रांतों में से एक है। और सन 2001 में वियना के सिटी सेंटर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। अगला, कटक किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी महानदी। कटक जो कि वर्तमान उड़ीसा की मध्ययुगीन राजधानी थी, जिसे पद्मावती भी कहते थे, और यह नगर महानदी और उसकी सहायक नदी काठजोड़ी के मिलन स्थल पर बना है। कटक शहर की स्थापना केसरी राजवंश के सम्राट नृप केसरी ने सन 979 ईस्वी में की थी। अगला, काठमांडू किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बागमती नदी। काठमांडू दोस्तों जो कि नेपाल की राजधानी है, और यह नगर समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 50.8 वर्ग किमी में फैला हुआ है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा काठमांडू उपत्यका के पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। काठमांडू शब्द संस्कृत शब्द काष्ठ मंडपम का अपभ्रंश है। अगला, बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। तो बैंकॉक जो है दोस्तों, यह चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है, और बैंकॉक जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड की राजधानी है, और सफारी वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा खुला चिड़ियाघर है, और यहाँ एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी वन्य जीवों को देखा जा सकता है। अगला, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी छिप्रा नदी। आपको बता दें कि उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में एक जिला है, और यह चंबल नदी की सहायक नदी छिप्रा नदी के पूर्वी किनारे पर मालवा पठार पर स्थित है। उज्जैन जो कि 7 पवित्रम हिंदू शहरों में से एक है, इसका नाम संस्कृत जय से लिया गया है, और यह शहर आर्यन अवंती साम्राज्य 6वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजधानी उज्जैनी के रूप में प्राचीन हिंदू भूगोलवेत्ताओं के पहले माध्यान पर पड़ा था, और सम्राट अशोक का गढ़ मौर्य नेताओं के अंतिम और सबसे प्रमुख प्रारंभिक बौद्धों में से एक 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन था। अगला, फिरोजपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो फिरोजपुर है दोस्तों, यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। फिरोजपुर जो कि भारत के पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में स्थित एक नगर है, और यह जिले का मुख्यालय भी है। और सतलुज नदी के किनारे बसे इस नगर की स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की, जो तुगलक वंश का एक शासक था, और जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। अगला, असवान किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी नील नदी। जो आसवान या असवन है, वो नील नदी पर मिस्र में एक कैटरेक्ट है, और संसार की सबसे लंबी नदी नील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से निकलकर विस्तृत सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग को पार करती हुई उत्तर में भूमध्य सागर में उतर पड़ती है, और यह पट्टी संसार का सबसे बड़ा मरु उद्यान है। अगला, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद जो है दोस्तों, यह टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो कि इराक की राजधानी है, और टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। और टिग्रिस नदी दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व और तुर्की के पहाड़ों से निकलकर इराक से होकर बहती है, और यह फारस की खाड़ी में गिरती है, और यह तुर्की सीरिया और इराक से होकर बहती है। अगला, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हडसन नदी। जो हडसन नदी है 315 मील यानी 507 किमी की नदी है, जो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्वी न्यूयॉर्क के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक बहती है, और नदी अपस्टेट न्यूयॉर्क के एडिरोडैंग पर्वत से निकलती है और हडसन घाटी से होकर बहती है,
और यह न्यूयॉर्क शहर और जर्सी सिटी के बीच अटलांटिक महासागर में बहती है। अगला, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी नर्मदा नदी। जो बिंद पर्वत श्रृंखला में स्थित यह नगर पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। अगला, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी टाइबर। जो रोम है वो इटली की राजधानी भी है और टाइबर नदी के किनारे बसा है। यह शहर की सीमा के भीतर जनसंख्या के हिसाब से यूरोपीय संघ का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। अगला, नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गोदावरी। जो नासिक है वो गोदावरी नदी किनारे बसा हुआ है और यह महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में मुंबई से 150 किमी और पुणे से 205 किमी की दूरी पर स्थित है और यह शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है। अगला, हांगकांग किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हांगकांग है प्यारे दोस्तों यह पर्ल नदी के किनारे स्थित है। हांगकांग चीन के दक्षिण में पर्ल नदी के तट पर दक्षिणी चीन सागर के किनारे स्थित है और हांगकांग को ग्लोबल सिटी ऑफ अथवा अल्फा प्लस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अलकनंदा नदी। जो बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर है भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है और यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों चार धामों में से एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं और 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। अगला, बीजिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो बीजिंग दोस्तों है उपरोक्त दोनों यानी यांगडोंग और जुपा। बीजिंग की बात करें तो चीनी जनवादी गणराज्य की राजधानी है और बीजिंग का अर्थ है उत्तरी राजधानी जबकि नानजिंग का अर्थ है दक्षिणी राजधानी। अगला, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर है दोस्तों वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और यह झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है और शहर को टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था और स्वर्ण रेखा नदी उड़ीसा पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर बहती है। अगला, बान शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो बान शहर है दोस्तों यह राइन नदी के किनारे स्थित है और राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है और 1233 किलोमीटर लगभग 766 मील में यूरोप में 12वीं सबसे लंबी नदी है। अगला, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मंदाकिनी। चौरीबारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर के पाद में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पर स्थित है 3562 मीटर की ऊंचाई पर और इसे 1000 वर्ष से भी पूर्व का निर्मित माना जाता है और लोगों का कहना है कि इसका निर्माण पांडव या उनके वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। अगला, टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी अराकावा नदी। टोक्यो जो कि है अराकावा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो टोक्यो है वो किस देश की राजधानी है। अगला, कराची किस नदी के किनारे स्थित है? जो कराची है दोस्तों यह हो जाएगा इंडस नदी यानी सिंधु नदी। बता दें कि जो सिंधु नदी है एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है और यह पाकिस्तान भारत में लद्दाख और चीन में पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है और सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिन काबाब नामक जलधारा माना जाता है और इस नदी की लंबाई प्रायः 3610 किलोमीटर है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी भी है। अगला, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गोमती। जो लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से लगभग 3 किमी पूर्व में 200 मीटर की ऊंचाई पर मैनकोट के पास से निकलती है और नदी की कुल लंबाई लगभग 940 किमी और यह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है और यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में गंगा से मिलती है और यह ऊपरी इलाकों में रामगंगा और शारदा नदी के बीच और निचले इलाकों में गंगा और घाघरा के बीच के क्षेत्र को अपवाद करती है
और यह लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर से दक्षिण की ओर बहने के बाद यह वाराणसी के पास गंगा के साथ मिल जाती है। अगला, बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बर्लिन जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है। बता दें कि स्प्री लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई के साथ हवेल नदी की मुख्य सहायक नदी है और हवेल की तुलना में स्प्री काफ़ी लंबी है, जिसमें यह बर्लिन स्पॉन्डो में बहती है, हवेल फिर हवेल वर्ग में एल्बे में बहती है। अगला, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, राइट आंसर हो जाएगा इसका प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, जिसे तापी नदी भी कहते हैं, सूरत शहर के मध्य से होकर गुजरती है और सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी, जो कि यह चेल्थनम में सेवेल स्प्रिंग से निकलती है और ऑक्सफोर्ड, राइडिंग, मैड हैड, विंड्स, ईटन, लंदन जैसे शहरों से होते हुए 346 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके इंग्लिश चैनल में जा गिरती है। और 18वीं शताब्दी में यह दुनिया का सबसे व्यस्त जल मार्ग हुआ करता था, यहाँ तक कि इसमें जहाज तक चला करते थे। अगला, दमसरस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी बराडा। अगला, पर्थ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी स्वान नदी। स्वान नदी जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में एक नदी है और नदी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और सबसे बड़े शहर पर्थ के महानगरीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। और स्वान नदी एवन और तटीय मैदानी जल ग्रहण क्षेत्रों से निकलती है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 121,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी मूसी नदी। मूसी नदी या मूसी नूरू तेलंगाना राज्य के माध्यम से बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है और हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी ऐतिहासिक पुराने शहर और नए शहर हैदराबाद को विभाजित भी करती है और हैदराबाद को मोती के शहर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। और चार मीनार हैदराबाद में मूसी नदी के तट पर स्थित है और भारत की सबसे अधिक पहचानी जाने वाली संरचनाओं में सूचीबद्ध हैदराबाद एक वैश्विक आइकॉन है। अगला, संघाई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो संघाई शहर है दोस्तों, वह यांगत्जी नदी के किनारे स्थित है। यांगत्जी क्यांग जो कि चीन की सबसे लंबी नदी है, जो सिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती हुई पूर्वी चीन सागर में गिरती है और इसे चांगज्यांग या यांगसी या यांगजी भी कहते हैं। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। अगला, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, तो जो श्रीनगर है दोस्तों, वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर और ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है और यह कश्मीर घाटी में झेलम नदी किनारे बसा हुआ है, जो सी नदी के एक प्रमुख उपनदी है। अगला, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सीन नदी। सीन जो कि फ्रांस में बहने वाली एक नदी है और इसका उद्गम डीजोन के उत्तर पश्चिम में कम्यून में है और यह इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है और इसकी लंबाई लगभग 777 किमी है और पेरिस शहर सीन नदी के किनारे ही स्थित है। तो दोस्तों, ये थी आज की नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर, जो कि भारत और विश्व दोनों से संबंधित है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।